नमस्कार, फूल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और मेरे हरियाली से जुड़ने वाले बहन भाइयों के लिए मैं तो अनुरोध करती हूँ कि आप भी अपने कुशल मंगल से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी गार्डनिंग की तरफ ध्यान देते हैं। चलिए, आज हम आपको पैडी लेंथस के बारे में बताने वाले हैं। ये पौधा बहुत अच्छा है और इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छे से होती है। इसकी पत्तियों की बहुत बढ़िया तरीके से प्रिंट किया गया है, कुदरत की देन है। पर पता नहीं ये कैसे दूसरे नाम से भी प्रसिद्ध है। इसको डेविल बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। पता नहीं किसने इसको डेविल बैकबोन के नाम से प्रसिद्ध किया है, पर पौधा इतना खूबसूरत है। पता नहीं किसने इतनी गलत जानकारी, इतना गंदा नाम दिया है, पर ये बहुत अच्छा, मतलब पौधा बहुत अच्छा है। घर को सुशोभित करने वाला पौधा है। इसकी पत्तियां, इसकी ग्रीनरी कुदरत की इतनी अच्छी देन है। और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी इसे अपने घर आंगन में, अपनी बालकनी में जगह दीजिए, अपने टेरिस पे जगह दीजिए इस पौधे को, और हरियाली की तरफ बढ़िए। और मेरा तो आप मानना ये है कि इसको किसी भी प्रकार की इसमें मतलब कोई खर्चा नहीं होता है। और इसकी मिट्टी भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ना खाद वाली। बस एक बार में इस मिट्टी में लगाओगे और पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी पाओगे कि बहुत ज़्यादा बस कुछ नहीं करना। एक बार इस मिट्टी को, एक हल्की मिट्टी सोयल बना के इसके अंदर डालिए। और इसके वो एक कटिंग के द्वारा भी लगाया जाता है, ये कटिंग से भी जल्दी ग्रोथ करता है। और इसकी जो स्टेम है उसमें से थोड़ा सा तरल पदार्थ निकलता है, उसके सूखने के बाद आप इस कटिंग को लगा सकते हैं। मैंने अपने वीडियो में इसकी जानकारी भी दी है। ये पैडी लेंथस का पौधा एक इंडोर प्लांट की तरह भी लगाया जा सकता है। इसको ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है, धूप में इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो इसको आप एक शेड वाली जगह में ही रखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा ये पौधा। और इसके बारे में आपको और क्या बताऊं कि इसको कटिंग से भी, आप छोटी से छोटी कटिंग भी आप इसकी लगाओगे तो ये बहुत सारी हरियाली आपको देगा। एकदम सो पीस की तरह ये पौधा लगता है, एकदम अच्छा हरा भरा पौधा होता है। पर इसकी सर्दियों में थोड़ी सी पत्तियां मतलब गिर जाती हैं, क्योंकि ये शॉक्स में चला जाता है ठंड की वजह से। गर्मियों के मौसम में तो इसकी बाहर आ जाती है, पौधे में के अंदर बहुत रंगत आ जाती है। इसकी पत्तियों के अंदर कुदरत की ऐसी देन है कि आप इसको देखते ही रह जाएंगे। चलिए हम चलते हैं अपने पैडी लेंथस की तरफ, बताते हैं उसके विषय में। ये पौधा ग्रीनरी से एकदम हरा भरा है। हम आज इस पौधे के बारे में बात करने वाले हैं। ये पौधा बहुत ही अच्छा है और इसको कई प्रकार के नामों से जाना जाता है, जैसे कि डेविल बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है और ये पैडी लेंथम्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी ग्रीनरी तो इतनी बढ़िया है, इसकी पत्तियां कितनी वेरिकेटेड होती हैं, देखो कितने अच्छे ये इसकी पत्तियों में, ये देखो ये वाइट सही जो आता है, कितना प्यारा निखार आता है इसमें। इसकी पत्तियां ही इतनी प्यारी लगती हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ही अच्छा है। देखो आँखों को एकदम कितना अच्छा है। इसको हम इंडोर प्लांट में की तरह अपने लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी खूबसूरती देता है, बहुत अच्छी हरियाली और बहुत अच्छे दिल को खुश कर देने वाला पौधा है ये, देखो। और इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप एक ऐसी कटिंग के द्वारा भी ये पौधा लग जाता है। इतना इसकी लो में प्लांट पौधा है, कोई ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस नहीं है, ना ही इसकी कोई ऐसी ज़्यादा ज़रूरत वाली मतलब खाद या मिट्टी की कोई रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा पौधा है और मैं तो आप लोगों से कहूँगी कि आप भी अपने ऐसे ही पौधे लगाइए और अपनी घर की ग्रीनरी बढ़ाइए, अपने लॉन की ग्रीनरी बढ़ाइए, अपनी बालकनी में लगाइए, बहुत अच्छा है। आपको इस पौधे को अगर थोड़ी सी भी जगह दे दोगे तो बहुत खुशियाँ देगा ये आपको। देखो कितने ही अच्छी पौधे की पत्तियाँ लग रही है, मेरे को तो इसकी फूल वगैरह तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मगर पत्तियाँ इतनी प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। पता है ये मैंने कटिंग के द्वारा लगाया था, दो कटिंग लेके आई थी, एक कटिंग तो मेरी गल गई थी, मर गई थी, मुझे पता नहीं था कैसे लगाया जाए, और दूसरी कटिंग मेरी इतनी अच्छी ग्रो हुई। उस कटिंग को मैं जब वो बढ़ जाती थी तोड़ तोड़ के लगा देती थी, उसके द्वारा ये इतना घना पौधा हो गया है।
बहुत अच्छा पौधा है। मैं तो आपसे ये कहूंगी, देखो मेरा पूरा गमला भर गया है, और ये जब मेरे को तो ये किचन कंपोस्ट में ये इसकी जो सोयल होती है, बस हमेशा ऐसी सोयल रहनी चाहिए, इतनी इतनी मेच्योर सोयल होनी चाहिए, इतनी गीली, कभी इसको ज़्यादा सुखाना नहीं इस पौधे को, क्योंकि ये ज़्यादा सोखी वाली मिट्टी नहीं लेता। ये बहुत अच्छी मतलब इसमें पानी वगैरह अच्छा होना चाहिए, और ना इसके अंदर ज़्यादा पानी दो और ना ही पानी का ही बहुत सारा इस बस इस पौधे का ध्यान रखना है। अगर आप इंडोर रख रहे हो तो ज़्यादा मतलब आपको इसकी भी पानी की भी ज़्यादा वो नहीं कि फिर तो आप दो दिन में तीन दिन में भी पानी दे दोगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर इसको धूप से बचाना होता है, ज़्यादा इसे धूप में नहीं रखेंगे। अगर धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ ना बहुत एकदम सुकड़ जाती हैं। धूप का ये प्लांट ही नहीं है, इसको तो बस ऐसी वो चाहिए कि छन के आए रोशनी इनके ऊपर, तो इसकी जो पत्तियां ना एकदम खुली खुली रहती है, एकदम इसके स्टेम ये देखो लीज एकदम निखर के आती है, एकदम खुल जाती है। अगर आप इसको खुली धूप में रख देंगे तो पौधा तो चलेगा आपका, मगर ये पत्तियां नहीं मिलेंगी आपको, इसकी ये जो खूबसूरती है ये देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी पत्तियां फिर ना इस प्रकार से इस तरह से लीव हो जाती है, इसकी सुकड़ जाती है। मैंने कई जगह देखा है, जैसे किसी के धूप में रखे हुए थे ऐसे सुकड़े, वो कहते हैं कि बहन जी मैडम जी आपके ये प्लांट बहुत अच्छे हैं, आपने कैसे इनको मतलब रख रखाव किया है इनका, या ये अलग प्लांट है। नहीं जी, ये आप ही जैसे ही पैथीलेंथस प्लांट है, पर ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसको सिर्फ एकदम छन के या तो अपनी शेड में रखें या अपने इसको इंडोर प्लांट की तरह अपने गेट पे अपने मतलब बालकनी वगैरह में आप इसको रख सकते हैं, जो इसको हल्की धूप चाहिए। तो इसकी पत्तियां एकदम इसकी लीफ खुल के आएंगी और आपको ये वेरिकेटेड प्लांट की ये जो खूबसूरती है ये आपको मिलेगी। देखो ऐसे कुदरत ने कितना प्यारा इसको कैसे कितनी उससे बनाया हुआ है, देखो कितनी अच्छी पत्तियाँ हैं इसकी, बस इसकी यही खूबसूरती आँखों को भाती है। बस इसका लगाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, कोई आपको कुछ नहीं करना, बस कटिंग लगा दो और 6-7 दिन में कटिंग अच्छी चलने लगती है। और सर्दियों में ये थोड़ा शोक में चला जाता है, इसकी पतली जो है ना झड़ जाती है ठंड की वजह से, तो बस सर्दियों में, और फिर जैसे ही मार्च वो फरवरी मार्च आएगा तो इसकी लीव निकलने लगती है। बहुत अच्छा प्लांट है, बस ये सर्दियों में थोड़ा साइड में चला जाता है ये वाला प्लांट। बस इसकी यही है देख रिखाओ कि इसको बहुत अच्छी ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छी तरीके से इसको बस ऐसे ही रखना है कि इसको छाया वाली जगह में शेड वाली जगह में रखें, जहाँ पे छन के धूप इसको मिले धूप, मगर छन के मिले, और धूप से भी बचाना है ज़्यादा, इसको बाहर धूप में ना रखें। मैंने आपको बताया इसके लिए फिर आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगी, फिर तो इसकी डंडिया ही डंडिया स्टेम ही स्टेम नज़र आएंगी और बत्ती सी बन जाती है इनकी पत्तियों की। तो आपको जो ये प्लांट है इसकी बहुत सारी वेराइटी हैं और बहुत सारे मतलब इसकी ये पत्तियों में भी इसकी बहुत सारी वेराइटियाँ मिलेंगी, बहुत अच्छी है। देखो आप कितना प्यारा पौधा लग रहा है। और इसकी सोयल के बारे में आपको क्या बताऊं, आपको तो पता ही है कि मैं कैसी मतलब इसको खाद में लगाती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ। ये मेरी किचन कंपोस्ट और आधी मिट्टी है और बस इसमें थोड़ा सा रिवर सैंड मिला हुआ है। मैं सिर्फ एक ही बार खाद डालती हूँ, उसके बाद मैं ऐसे बार बार मतलब कोई ऐसी चीज़ें नहीं देती हूँ। ये हरियाली हमारी चाहे किसी प्रकार के पौधे हों और मगर ये हमारी ये हर नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं, हमें पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं, हमारी आंखों को बहाने वाले पौधे हैं। देखो मेरे को तो बहुत पसंद है ये वेरिकेटेड पौधा, इसकी पत्तियां मुझे बहुत ऐसी लगती है कुदरत की, कितना अच्छा करिश्मा है, कितनी अच्छी है। देखो इसकी प्यारी प्यारी कितनी लीव है, किसी में हाफ है, किसी में कैसे, बहुत बहुत बढ़िया वेरिकेटेड प्लांट है ये। मैं तो कहती हूँ आप भी अपने घर में ये पैथीलेंथस का पौधा लगाइए और ऐसी ग्रीनरी को बढ़ाइए। और हम जब इसको कटिंग से लगाते हैं तो हमें बस सिर्फ एक सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर जब हम इसकी लीव को काटते हैं ना तो इसके अंदर थोड़ा तरल पदार्थ सा निकलता है, जो एक वाइटनेस वाला होता है, उस वो पौधा हमारी मतलब स्किन को ना छू जाए, बस हमें थोड़ा सा ये उसका यही सावधानी रखनी है और उससे अपने आप को बचाना है।
बस उसका थोड़ा सा वो जो है लिक्विड वो सूखने पर ही हम उसकी स्टेम को लगाएं तो हमारी कटिंग अच्छे से ग्रो होगी। बस इसका यही है कि आपको अपने से मतलब इस पत्तियों से हरा भरा पौधा बिल्कुल हरियाली से भरपूर है। बस थोड़ी सी हमें पौधे लगाते वक्त कोई भी कटिंग लगाए थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी कि हमें इसकी जो हम कटिंग लगाएं उसमें से थोड़ा वो दूध जैसा लिक्विड सा पदार्थ निकलता है वो थोड़ा सा सोखने पर ही हम इसको कटिंग को मिट्टी में लगाएं या हम उसमें रिवर्स साइड में लगाएं जिस चीज में भी आप अपनी लगाएं। इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये हर मिट्टी में हर मतलब ड्रेन सिस्टम जैसी वो सोख वाली मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी होती है ये सब में ग्रोथ हो जाता है। ऐसा इसका कुछ नहीं है कि मतलब इसको अलग ही कोई मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी की आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बार खाद वगैरह तो जरूरी डालनी पड़ेगी पौधे की ग्रोथ के लिए। तो जब मैं ये नेचुरल अपनी खाद ये अपनी किचन कंपोस्ट से बनाती हूँ तो उसी के अंदर ये अपने पौधे ग्रो करती हूँ। फिर मैं बार बार ये नहीं करती हूँ कि मैं इसमें बार बार इसको आज 15 दिन बाद खाद दे रही हूँ 10 दिन बाद खाद दे रही हूँ। खाद देने का कोई मतलब नहीं होता है, मैं तो सिर्फ इसको लिक्विड फर्टिलाइजर और शुद्ध पानी देती हूँ और उसी में आप इसकी ग्रीनरी को देख सकते हैं। आपके सामने है ये पौधे मेरे, कोई झूठ नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल इतना देखो एक एक से एक स्टेम इसकी ये कलियां देखो ये स्टेम निकल लाई है। इस प्रकार से पौधे आपके बहुत हरे भरे हैं और आपके घर आंगन को खुशहाली देने वाले पौधे हैं। और मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि आप भी अपना हरियाली की तरफ एक कदम बढ़ाइए और ऐसी वेरिकेटेड प्लांट्स को जगह दीजिए और बहुत अच्छी आपकी आंखों को ऊर्जा देने वाले पौधे हैं और बहुत ही अच्छा आपको सुकून देने वाले पौधे हैं और बहुत अच्छा आपका घर आंगन लिविंग रूम जहां भी आप इस पौधे को लगाएंगे तो बहुत अच्छी मतलब शो देगा आपको, शो पीस की तरह, और बहुत अच्छा पौधा है। और यही निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने घर आंगन में इसको लगाइए और ग्रीनरी को बढ़ाइए। बस आपसे और क्या बताऊँ, आप मुझे मेरे इस वीडियो के बारे में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।